हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपका भी 10th कंप्लीट हो गया है या फिर 12th कंप्लीट हो गया है तो आपने SSC के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो SSC के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। तो अगर आपका 10th कंप्लीट हो गया है या फिर 12th कंप्लीट हो गया है तो क्या आप SSC का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर आप SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ओके, सो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट, SSC में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो 10th लेवल की हो या 12th लेवल की या फिर ग्रेजुएशन लेवल की। तो अगर आप SSC के थ्रू कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका 10th कंप्लीट हो गया है और आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप SSC की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब जो है वो पा सकते हैं। आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल जो है SSC के थ्रू पा सकते हैं अगर आपका 10th कंप्लीट हो गया है तो। 10th लेवल पे काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है SSC में आती हैं, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करके एग्ज़ाम देकर आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल जो है वो पा सकते हैं। ओके, एंड अगर बात करें 12th लेवल की तो 12th लेवल में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है आती हैं SSC के, तो अप्रॉक्स 50% SSC की 12th लेवल पे वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो SSC का फॉर्म जो है वो फिलअप करके आप एक अच्छी जॉब जो है वो पा सकते हैं। एंड अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है तो जो भी 12th लेवल पे वैकेंसीज आती हैं आप उनको तो फिलअप कर ही सकते हैं, बट जो 10th लेवल पे वैकेंसीज आती हैं उनको भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो आप दोनों ही फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों ही चॉइस कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसकी तैयारी करके आप जो है अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब जो है वो पा सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, कुछ टेक्निकल वैकेंसीज रहती हैं, कुछ नॉन टेक्निकल रहती हैं। तो आपने जिस भी ट्रेड से पढ़ाई की है, आपने टेक्निकल से पढ़ाई की है तो आप टेक्निकल वाली वैकेंसी जो है वो फिलअप कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल की पढ़ाई की है तो आप नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन जो है करके इसका फॉर्म फिलअप करके आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो जो भी 10th लेवल की वैकेंसी आती है, 12th लेवल की वैकेंसी आती है, उसमें से भी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि SSC में 10th लेवल की कौन सी वैकेंसी आती है और 12th लेवल की कौन सी वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं SSC के थ्रू, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूँगी, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के थ्रू शेयर करनी थी। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।